हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। स्थानीय मोहम्मद रफी कल्चरल हॉल में कादर अकादमी ऑफ म्यूजिक के प्रतिभाशाली गायक गायिकाओं ने भारत रत्न लता मंगेशकर तथा डिस्को किंग संगीतकार बप्पी लहरी को गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के आरंभ में पार्श्व गायक एम ए कादर ने कहा कि कुछ गायक ऐसे होते हैं जो हमसे जुदा होने के बाद भी अपने गीतों के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। सुनहरी यादें नामक कार्यक्रम में अकादमी के गायक कलाकारों में से डॉक्टर सुधीर कुन्नावर, अनन्या पाल, गीता राउत, आनंद कोहाड़, तृप्ति पाल, राहत अंसारी, मिताली आनंद, आरती गौतम, फरहत फजल, सतीश वंजारी, सुनीता येटे, यश कोल्लटकर, लतिका डाकोड़े, स्वप्नमोय चौधरी, भरत मेहता के अलावा अकादमी के डायरेक्टर जीनत कादर तथा एम ए कादर ने भी सदाबहार यादगार गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। मंच संचालन साजिद कुरैशी ने किया। कार्यक्रम के सफलतार्थ इवेंट ऑर्गेनाइजर अजीज पटेल के साथ जाकिर, अब्दुल वहीद, अनिल खैरकर, स्वप्निल, सीता और कलावती ने सहयोग किया। आनंद कुहाड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की संकल्पना जीनत तथा एम ए कादर की थी। वादक कलाकारों में अब्दुल जहीर, मनोज विश्वकर्मा, अशोक डोके, राजू गजबिया ने बेहतरीन साथ संगीत की। पूर्व वर्धमान नगर श्री गोवर्धननाथ हवेली में श्री गिरिराज जी महोत्सव आज फागुनवत 5 को आयोजित है, जिसमें श्री गिरिराज मनोरथ के दर्शन समय शाम 4 से 7 बजे तक होंगे। श्री यमुना सखी महिला मंडल ने सभी परम भवदीय वैष्णव जन से महोत्सव के दर्शन का लाभ लेने का निवेदन किया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील सभी भक्तजनों से की गई है। इतवारी छिंदवाड़ा ब्रॉडगेज लाइन शुरू होने के बाद सुबह के समय छिंदवाड़ा से रवाना होने तथा शाम तक वापस आने वाली ट्रेन की मांग आखिरकार सोमवार को पूरी हुई। राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे के प्रयासों से नई पैसेंजर ट्रेन की सौगात मिली। ट्रेन को इतवारी रेलवे स्टेशन से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ZRUCC सदस्य विजय धवले, प्रताप मोटवानी, DRUCC सदस्य आनंद कारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ZRUCC सदस्य विजय धवले ने बताया कि राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे निरंतर प्रयास से छिंदवाड़ा के लिए नई पैसेंजर ट्रेन की सौगात मिली है। सावनेर सोनसर छिंदवाड़ा के नागरिकों की मांग पर सांसद महात्मे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इस ट्रेन की मांग की थी। रेल यात्रियों की सुविधाओं एवं मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा इतवारी छिंदवाड़ा इतवारी के मध्य स्पेशल ट्रेन नंबर 08265 08266 सुविधा संचालित की जा रही है। इस क्षेत्र के आम जनता को यह सौगात मिली है। इतवारी छिंदवाड़ा के मध्य से नई रेल सेवा का शुभारंभ हो गया है। इतवारी स्टेशन से बड़े हर्षोल्लास के साथ इस ट्रेन को छिंदवाड़ा के लिए रवाना किया गया। सेंट्रल रेलवे नागपुर मंडल ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारा मंडल स्क्रैप सामग्री से मुक्त हो। इसके लिए शून्य स्क्रैप मिशन शुरू किया गया है। स्क्रैप सामग्री में स्क्रैप रेल, पी वे सामग्री, वैगन और बैटरी आदि शामिल है। मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे के मार्गदर्शन में राजीव सिंह वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक नागपुर द्वारा मध्य रेल के नागपुर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 21 मार्च 2022 तक स्क्रैप डिस्पोजल से 104 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। नागपुर मंडल को 80 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया, पर नागपुर मंडल ने अपने लक्ष्य से अधिक बिक्री कर नया रिकॉर्ड हासिल किया, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक स्क्रैप बिक्री का आंकड़ा है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की आय से 24 करोड़ रुपए अधिक है, जो कि 31.81% अधिक आय है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में आय 80.01 करोड़ रुपए थी। महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी मध्य रेल ने कहा कि स्क्रैप की बिक्री से न केवल राजस्व अर्जित करने में मदद मिल रही है, बल्कि परिसर का रखरखाव भी बेहतर हो रहा है। DRM ऋचा खरे के कुशल मार्गदर्शन में सीनियर DCM की नेतृत्व और टीम बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट नागपुर डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा किए गए प्रयासों से 11 दिन पहले ही 4060 करोड़ रुपए की माल ढुलाई का लक्ष्य पार कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक की सबसे अच्छी और अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई है, और पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में अर्जित 3135 करोड़ रुपए के मुकाबले 28% से अधिक आय हुई है। इस वित्तीय वर्ष के लिए 3620 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। फरवरी तक 40 मीट्रिक टन की सर्वश्रेष्ठ लोडिंग हासिल की गई है। 2018-19 में हासिल की गई 37 मीट्रिक टन की वार्षिक लोडिंग का आंकड़ा 4 फरवरी को ही पार कर लिया गया था, यानी 55 दिन अब भी बाकी है। दिसंबर 2021 में अब तक का सर्वाधिक कुल प्रारंभिक लोडिंग 4.46 मिलियन टन था। इसके पहले नवम्बर 2021 में यह आंकड़ा 4.2 मीट्रिक टन था।
रोकड़े ज्वेलर्स को नागपुर का अपना ब्रांड भी कहा जाता है। गहनों के निर्माण में अपने हस्तकौशल को संरक्षित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से 1920 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। रोकड़े ज्वेलर्स आज शुद्धता और सजावटी सुंदरता का दूसरा नाम बन गया है। आज चौथी पीढ़ी भी समृद्ध पहचान को अपने कौशल और कला में महारत के माध्यम से सक्षम रूप से बनाए रखे हुए है। रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा निर्मित ज्वेलरी का प्रत्येक अंश कला का एक अनूठा नमूना है जो हमारी प्रामाणिकता को दर्शाता है। रोकड़े ज्वेलर्स अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि नागपुरकर की आस्था का प्रतीक है, इसलिए रोकड़े ज्वेलर्स को सार्थक रूप से नागपुरकर का अपना ब्रांड कहा जाता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब सुंदर आभूषण विशेष रूप से सगाई या शादी समारोह के आभूषण खरीदने की बात आती है तो रोकड़े ज्वेलर्स नागपुर वासियों की पहली और एकमात्र पसंद होते हैं। इस साल रोकड़े ज्वेलर्स के लक्ष्मीनगर शाखा के 3 वर्ष पूर्ण होने पर ग्राहकों के लिए कई आकर्षक ऑफर है। यह जानकारी डायरेक्टर राजेश रोकड़े ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। एक पुरुष के गले से एक महिला की आवाज निकालने का हुनर रखने वाले वंडर बॉय साईराम अय्यर ने दोनों आवाजों में गाने गाकर दर्शकों को चौंका दिया। उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक जैसे लोकप्रिय गायिकों की आवाजों को पूरा न्याय देकर नागपुर के लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आयोजित खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे दिन ईश्वर देशमुख कॉलेज ग्राउंड में वंडर वॉइस साईराम अय्यर का लिव इन कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। यह आश्चर्य की बात है कि कैसे साईराम अय्यर पुरुष और महिला दोनों आवाजों में गाते हैं। अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं के दौरान पहले भी कई बार नागपुर आ चुके साईराम अय्यर ने शहर में बीते दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीते हैं और बाद में एक परीक्षक के रूप में नागपुर आया था, इसलिए यहाँ आने के बाद अपने घर में आने जैसा महसूस होता है। लता मंगेशकर को एकलव्य की तरह अपना गुरु मानने वाले साईराम अय्यर लता जी के चित्र के समक्ष नतमस्तक हुए। साईराम अय्यर ने देश विदेश में कई कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम गीत से अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस की शुरुआत की। पत्रकारों को प्रोफैक्ट होना चाहिए। समाचार लिखते समय तथ्यों की जांच करना बहुत जरूरी है, उसके पश्चात ही समाचारों का प्रकाशन करें, ऐसा आह्वान पूर्व न्यायमूर्ति विकास शिरपुरकर ने किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने किसी अन्य प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वे यहाँ वर्ष 2021 का स्वर्गीय उत्तमराव पाटिल स्मृति वन संरक्षण पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह पुरस्कार राखी चव्हाण को पूर्व न्यायाधीश शिरपुरकर के हाथों प्रदान किया गया। 21 मार्च विश्व वन दिवस है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक विशिष्ट व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिसने वन संवर्धन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत की है और विभिन्न वन्य जीवों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए राखी चव्हाण ने कहा कि यह पुरस्कार प्राप्त करना उनके लिए गर्व की बात है। हम जो करते हैं उसमें सुसंगत रहना और उसे पूर्ण न्याय देना महत्वपूर्ण है। जंगल और जंगली जानवर एक बहुत खास और संवेदनशील विषय है। उन्होंने इस क्षेत्र में अपने पत्रकारिता के अनुभव भी साझा किए। वनबंधु परिषद महिला समिति नागपुर की अध्यक्षा मणि गोयनका, सचिव सीमा अग्रवाल, साधना गनेडीवाल, मीना सुरेखा आदि ने बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स का सुदामा टाकीज में संदर्भ के 5 अंचल गोंदिया, परतवाड़ा, पांडरकवड़ा, अल्लापल्ली व किनवट के 20 कार्यकर्ताओं को दिखाने का प्रबंध किया। यह फिल्म देखकर वे अपने गांव वालों को भी जागरूक कर सकते हैं। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए भीषण अत्याचार को यथार्थ में निरपेक्षता के साथ दर्शाया गया है। आज हमने देश में अलगाववादी ताकतों को नहीं रोका तो कल यह देश की अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। फिल्म देखकर उन्हें यह शिक्षा भी मिली है कि देश का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है और एकल संगठन भारत देश में यही कार्य कर रहा है। देश को मजबूत बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा और उसी में हमारे देश का विकास हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। बनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा।
यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2375 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 90,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 3,200 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत एक मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे 3,55,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए हैं। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। सभी स्तर पर कैशलेस पेमेंट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नागपुर मेट्रो के कॉमन मोबिलिटी कार्ड के उपयोग में भी दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। विद्यार्थी, नौकरी पेशा तथा योजना मेट्रो ट्रेन से यात्रा करने वाले मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए महामेट्रो की ओर से महाकार्ड उपलब्ध कराया गया है। प्रभाकर निबुरकर, भूमिका अद्भुते, समीर चहांदे ये महाकार्ड का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले यात्री साबित हुए हैं। दिनों दिन महाकार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। महाकार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए महामेट्रो की ओर से लकी ड्रॉ योजना आयोजित की गई है। एक माह में सबसे अधिक महाकार्ड का उपयोग कर यात्रा करने वाले यात्री को पुरस्कृत किया जाता है। बाजारों में कैशलेस लेनदेन का चलन बढ़ता जा रहा है। डेबिट कार्ड के माध्यम से नागरिक भुगतान करते हैं। महामेट्रो में कैशलेस लेनदेन के चलन को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो के कॉमन मोबिलिटी कार्ड महाकार्ड की व्यवस्था की गई है। महाकार्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए महामेट्रो प्रशासन जल्द ही तमाम उपयोगकर्ताओं के लिए एक लकी ड्रॉ की घोषणा करेगी। हाल ही में महबूब खान पठान को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें महाराष्ट्र राज्य के कार्याध्यक्ष जावेद हबीब द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्हें पार्टी में कुशल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उन्होंने दक्षिण नागपुर के विभाग अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उनके नेतृत्व गुणों और अनुभव को देखते हुए रकापा हाईकमान ने उन्हें शहर अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये पद पार्टी की सांगठनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हुए पार्टी के गणमान्य व्यक्तियों ने मेरे काम पर ध्यान दिया और आज मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। ये निश्चित रूप से उत्साहजनक है, खान ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी होने पर गर्व है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, मंत्री नवाब मलिक, पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, निरीक्षक राजेंद्र जैन, शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अहिरकर, प्रदेश महासचिव प्रवीण कुंटे, सलील देशमुख, ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बालबुथे, प्रदेश संगठन सचिव श्रीकांत शिवनकर आदि नेताओं का आभार माना। नागपुर के प्रसिद्ध यात्रा धाम बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर में होली का पवित्र त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। नागपुर में स्थित रवि सभा मंडप को इस उत्सव के अनुरूप आकर्षक तरीके से सजाया गया था। यहां प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विराट सभा में संस्था के विद्वान संतों ने विविध विषयों पर प्रवचन का लाभ दिया था, जिसमें मंदिर के महंत पूज्य प्रेम प्रकाश स्वामी जी ने जीवन में उत्सवों का महत्व इस विषय पर प्रेरक प्रवचन का लाभ भक्त समाज को दिया। सभा के अंत में वेद मंत्रों से पुष्पांजलि करके फूलों की होली रूपी उत्सव का आरंभ हुआ था, जिसमें संस्था के अध्यक्ष और गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के प्रसादी भूत जल से अभिषिक्त होने के साथ साथ संतों के संग सभी ने फूलों की होली खेली थी। इस दिव्य उत्सव और महाप्रसाद का लाभ लेकर उपस्थित भक्तों ने आनंद का अनुभव किया था। शिक्षकों और छात्रों के लिए कमला नेहरू फार्मेसी कॉलेज बुट्टीबोरी नागपुर द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। डॉक्टर प्रशांत माहेश्वरी, डीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर प्रमुख अतिथि थे। अन्य अतिथियों में डॉक्टर प्रकाश इटनकर, निदेशक प्रौद्योगिकी पार्क, डॉक्टर जगदीश आर बाहेती, प्राचार्य कमला नेहरू फार्मेसी कॉलेज का समावेश था। समारोह का शुभारंभ अतिथियों के हाथों से मां सरस्वती और डॉक्टर सीवी रमन की तस्वीर पर माल्यार्पण करके किया गया। उद्घाटन भाषण में डॉक्टर जगदीश आर बाहेती ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उत्सव के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर प्रकाश इटनकर ने श्रोताओं को प्राचीन विज्ञान के आधुनिक विज्ञान से संबंध के बारे में बताया। डॉक्टर प्रशांत माहेश्वरी ने परिणाम आधारित विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला और दर्शकों का ध्यान सीखने के प्रति शिक्षार्थी की जिम्मेदारी की ओर आकर्षित किया और ये भी कहा कि सीखना, रचनात्मकता और ज्ञान ही हमारी सर्वोच्च शक्ति है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए क्विज, साइंटिफिक मॉडल एवं इनोवेटिव साइंटिफिक आइडिया प्रतियोगिताओं पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। एकता फाउंडेशन संगठन और ग्लोबल एकता मीडिया की ओर से राहत खिदमत संस्था के सभी पदाधिकारियों का सत्कार किया गया। विनोबा भावे नगर स्थित साई मंदिर के पास ये सत्कार समारोह आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जय रामटे के संस्थापक अध्यक्ष एकता फाउंडेशन एवं ग्लोबल एकता मीडिया न्यूज के हाथों से भी सभी को सम्मानित किया गया था। प्रमुख उपस्थिति मनीषा ठावरे, संस्थापक अध्यक्ष ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम से एकता फाउंडेशन के नागपुर जिला प्रभारी जावेद बैग की अध्यक्षता में सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मोहम्मद जावेद शेख, मिर्जा शाहरुख बेग, मिर्जा सोहेल बेग, मिर्जा नदीम बेग, मिर्जा नवी बेग, मिर्जा सरफराज बेग, मोहम्मद एहतिशाम, मोहम्मद इस्माइल, शेख मुख्तार, शोएब शेख, हाजी जाहिद बेग, सैफ अली खान, मोहम्मद सलीम शेख, शेख शहबाज, मोहम्मद जुबैर शेख, शेख आदिल, आमिर खान, काशिफ खान, मोहम्मद कैफ, फिरोज खान समेत अनेक पदाधिकारियों का सोशल वर्कर अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान लोकमान्य तिलक टर्मिनस एवं शालीमार के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन द्वारा एक सुपर फास्ट साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा 10 फेरों के लिए दी जा रही है। ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से शालीमार के लिए 010019 नंबर के साथ 12 अप्रैल 2022 से 14 जून 2022 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। इसी प्रकार शालीमार से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए 010020 नंबर के साथ 14 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। ये ट्रेन 15 एसी थ्री टायर, 1 एसी फर्स्ट क्लास, 03 एसी सेकंड क्लास एवं ब्रेक वैन सहित 22 कोचों के साथ चलेगी। सक्कादरा व्यापारी संघ के तत्वावधान में तिलक होली मिलन का रोचक आयोजन ओमनगर स्थित चौधरी पैलेस परिसर पे किया गया। शुरुआत में परस्पर तिलक लगाकर होली की मंगल कामनाओं का आदान प्रदान हुआ। संस्था के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने सभी पदाधिकारियों को पीपीई किट बांटे। कार्यक्रम में उपस्थित पुलक पंच परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बण ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कबाड़ से जुगाड़ प्रकल्प के माध्यम से सामाजिक योगदान की जानकारी दी। संस्था द्वारा इस प्रकल्प में शामिल होने का संकल्प लिया गया। कवि अनिल मालोकर ने हास्य व्यंग की रचनाएं प्रस्तुत कर लोटपोट कर दिया। इसी तरह ओवी कैप के निदेशक अनिल लोनारे, प्रोफेसर सुनील जायसवाल व कवि सूरज राणा ने भी गुदगुदाती रचनाओं की प्रस्तुति से समा बांधे रखा। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र सतीजा ने किया। आभार कविता चौधरी ने माना। कार्यक्रम में राजू कावले, सुधाकर राउत, संदेश चौधरी, नरेंद्र बुर्डे, गणेश जायसवाल, विलास वैतागे आदि की उपस्थिति रही। नागपुर शहर के तापमान में सोमवार को 0.2 डिग्री सेल्सियस का बदलाव दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस पर रहा। अधिकतम तापमान में गिरावट से लोगों को लू से थोड़ी राहत जरूर मिली, क्योंकि आजकल शाम के समय बादल आंशिक रूप से शहर को ढक लेते हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नागपुर ने पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति के कारण पीला अलर्ट जारी किया है, जबकि विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम है। एक दिन पहले आरएमसी ने नागपुर और विदर्भ के अन्य क्षेत्रों के लिए आंधी और बिजली गिरने की संभावना के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया था। सोमवार को अकोला में 41.7 डिग्री सेल्सियस, अमरावती वाशी में 41 डिग्री सेल्सियस, वर्धा में 40.5 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस, ब्रह्मपुरी में 40.2 डिग्री सेल्सियस, यवतमाल में 39.5 डिग्री सेल्सियस, नागपुर और गोंदिया में 39.4 डिग्री सेल्सियस, गढ़चिरौली में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बुलढाणा में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हुडकेश्वर पुलिस की टीम ने चैन स्नैचिंग के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात पहुंचाया है। सीसीटीवी कैमरों में कैद होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी प्रवीण लक्ष्मण राव बोकड़े, तांडापेट विनकर कॉलोनी, पांचपौली निवासी बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आशा बसंत दहीकर शाहूनगर बेसा रोड निवासी के मंगलसूत्र को अज्ञात दुपहिया सवार जबरदस्ती छिनकर फरार हो गया था। फरियादी महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। जांच के दौरान ही पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में आरोपी दिखाई दिया था। इसके बाद इसके गाड़ी के नंबर प्लेट की जांच करने के बाद पुलिस आरोपी तक जा पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी प्रवीण लक्ष्मण राव बोकड़े, उम्र 35, तांडापेट विनकर कॉलोनी, पांचपौली का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी, चोरी के मंगलसूत्र समेत करीब 70,000 रुपए का माल बरामद किया है। इस कार्यवाही को डीसीपी जोन 4 नूरुल हसन के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सार्थक नृत्य, सहायक पुलिस निरीक्षक स्वप्निल भुजबल, पुलिस हवलदार नरसिंह दमाहे, सिपाही राजेश मोते, राजेश घोपड़े, प्रफुल वागपारे व दीपक तारेकर ने मिलकर अंजाम दिया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।